हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज का विषय है स्लिप डिस्क को लेकर। हमारी रीढ़ की हड्डी में 33 केशरुकाएं होती हैं। केशरुकाएं यानी कि आप समझ लीजिए हड्डियों की श्रृंखला होती है, और ये श्रृंखला डिस्क से जुड़ी होती है। डिस्क रबड़ की तरह लचीले होती हैं, जिससे कि हम हमारी ये जो रीढ़ की हड्डियाँ होती हैं, या कह लीजिए रीढ़ की हड्डियों की श्रृंखला जो होती है डिस्क के जुड़ी हुई होती हैं, जिनमें लचीलापन पैदा करती हैं। इसी से हम झुक सकते हैं, मुड़ सकते हैं, किसी भी प्रकार की क्रियाएं कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी कारणवश कोई डिस्क क्षतिग्रस्त हो जाती है तो इनमें सूजन आ जाती है, फूल जाती हैं, और अपने आकार से सामान्य आकार से, मतलब अपना जो सामान्य आकार इनका होता है उनसे बढ़ जाती हैं, तो हमें स्लिप डिस्क की परेशानी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि स्लिप डिस्क का मतलब होता है कि डिस्क का फिसल जाना या खिसक जाना, बस मतलब ये होता है कि इनमें इनका जो सामान्य रूप होता है वो बढ़ जाना। स्लिप डिस्क की परेशानी हमें गर्दन से लेकर निचले हिस्से तक कहीं भी हो सकती है, लेकिन अधिकतर देखा जाता है निचले हिस्से में ज़्यादा देखने को मिलती है परेशानी। अगर हम इनकी तुलना की बात करें तो महिलाओं की तुलना में पुरुषों को ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसके अगर हम लक्षण की बात करें तो इसमें असहनीय दर्द होता है, झुकने में, बैठने में, लेटने में, उठने में, चलने में, ज़्यादा समय तक खड़े रहने पर, ज़्यादा समय तक बैठे रहने पर, या कोई भी हम क्रिया कर रहे हैं लगातार कुछ सामान उठा रहे हैं झुककर, तो उसमें असहनीय दर्द होता है। कई बार ये दर्द लगातार होता रहता है, कई बार ये धीरे धीरे होता है और धीरे धीरे बढ़कर ये बढ़ता चला जाता है। कई बार ऐसा दर्द होता है कि शाम होते होते रात को ये बढ़ जाता है। इसके कारण से कई बार हाथों में या पैरों में सनसनाहट, झनझनाहट सी होने लगती है, या कई बार इसके कारण से हमें साइटिका की परेशानी हो जाती है। जो दर्द ऊपर से होता हुआ नीचे की तरफ चलता है हमारी टांगों की तरफ, तो इसमें सबसे अच्छा मैं उपचार आज आपको बताने जा रहा हूँ। यकीन मानिए आयुर्वेदिक उपचार है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। मैं यहाँ पर भी देता हूँ पेशेंट को, और जिसको भी दिया है यकीन मानिए बहुत ही कारगर है, बहुत सरल नुस्खा है, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि स्थिति ऐसी है लॉकडाउन की, आप कहेंगे कहाँ पर जाएं, लेकिन मैं ऐसा नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि आपको आसानी से मिल जाएगा हर क्षेत्र में, हर जगह, आपके शायद घर में ही उपलब्ध हो। वो ऐसी चीज़ है कि आप आसानी से इस्तेमाल करके इस दर्द से, इस स्लिप डिस्क की परेशानी से छुटकारा पा सकते हैं। हालांकि आपको ही पता है एलोपैथिक में इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, सिर्फ थेरेपी 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 और कुछ नहीं है। थेरेपी से क्या होता है, हमें रिलीफ तो मिल जाता है, लेकिन प्रॉपरली हमारी जो परेशानी है, हमारी जो समस्या, वो जड़ से ख़त्म नहीं हो पाती। हम फिर भागते हैं किसी नुस्खे की तरफ, किसी की वीडियो सर्च करते हैं कि भाई हमें कोई ऐसा नुस्खा मिल जाए कि इसको हम खा लें ठीक हो जाए, या कोई ऐसा मलहम, कोई पेस्ट, कोई यानी कि तेल हमें बता दे दर्द का, जिसे हम लगाकर हम ठीक हो जाए। लेकिन कहीं हद तक वो कामयाब होते, कहीं हद तक नहीं होते। लेकिन मैं आपको एक ऐसी औषधि बता देता हूँ, घरेलू ही समझ लीजिए इसको, कि घर पर ही आप तैयार कर लेंगे और आप बिल्कुल ठीक होते चले जाएंगे। ज़्यादा बड़ी बात नहीं कर रहा मेरे भाई, आप इस्तेमाल करोगे तब विश्वास होगा। मैंने हर वीडियो में ऐसे ऐसे उपचार बताए हैं कि आप करेंगे तो आपको रिजल्ट 101% मिलेगा। और फिर भी कहीं आपत्ति होती है तो मैंने भाई नंबर दिया हुआ है, हर वीडियो में दिया हुआ है, ऐसा नहीं है भाई नहीं देता। किसी वीडियो में नहीं दिया होता तो आप दूसरी वीडियो में सर्च कर ले तो आपको नंबर आसानी से मिल जाएगा। भाई संडे को छोड़कर मंडे टू सैटरडे आप मुझे कॉल कर सकते हैं, दोपहर को 2 से 3 बजे आप कभी भी कॉल करें। व्हाट्सअप आप ना किया करें, क्योंकि मैं देख नहीं पाता, इतना समय नहीं हो पाता मेरे पास। इसके लिए मैं हाथ जोड़कर आपसे क्षमा चाहता हूँ। तो आप कॉल करें, कॉल रिसीव जरूर होगी, भविष्य में होगा तो मैं टाइम बढ़ा दूंगा जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा। लेकिन आप परेशान ना हुआ करें, आप इस्तेमाल करें, आप ठीक हो जाएंगे मेरे भाई। मेरा उद्देश्य यही है कि आपको कम लागत में, कम समय में आप ठीक हो जाएं बिल्कुल। कहीं पैसा व्यर्थ ना करें, कहीं भी पैसा वेस्ट ना करें भाई, मुझे भी ना दें, कहीं भी ना दें, आप अपने पैसे अपने ऊपर लगाएं और आप हमेशा के लिए ठीक हो जाएं जिस भी बीमारी से आप जूझ रहे हैं। तो चलिए स्लिप डिस्क के लिए बता देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले आपको लेना है सौंठ, सौंठ लेनी है आपको 50 ग्राम सौंठ। आप सभी जानते हैं सूखा हुआ अदरक, जब अदरक सूख जाता है तो हम उसको सौंठ कह देते हैं। तो सौंठ ले लें आप 50 ग्राम, मेथी दाना ले लें 50 ग्राम। इसके बाद आप साबुत हल्दी लेंगे, साबुत हल्दी लेंगे तो ज़्यादा उचित रहेगा, और आपके पास घर पर अवेलेबल है, पीसी हुई इस्तेमाल करते हैं, आपको पता है अच्छी फार्मेसी की है, हम साबुत लेकर उसको पीस के प्रयोग करते हैं, तो आप वो ले लें 50 ग्राम। इसके बाद आप अलसी ले लें 50 ग्राम, अलसी भी आप सभी जानते होंगे, तीसी के नाम से भी जानते हैं, फ्लैक्सीड के नाम से भी जानते हैं अलसी। और इसके बाद आप 50 ग्राम लेंगे कमरकस, कमरकस आसानी से, अधिकतर किराने स्टोर वाले भी रखते हैं, नहीं तो आप, थोड़ा सा लॉकडाउन है रुक जाए,
पंसारी से मिल जाएगा आपको आसानी से। तो आप ये सभी चीज़ें लेनी है आपको, जो जो मैंने बताई दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ। सौंठ लेनी है 50 ग्राम, साबुत हल्दी लेनी है 50 ग्राम, और मेथी दाना लेना है 50 ग्राम, अलसी लेना है 50 ग्राम, कमरकस लेना है 50 ग्राम। अब आपको करना कैसे है, आपको सिर्फ दो चीज़ अलग रखनी है, एक तो कमरकस और एक अलसी। इनको क्या करना है आपको, थोड़ा सा देसी घी ले लें और उसको उसके अंदर रोस्टेड करना है, भूनना है। ज़्यादा घी नहीं लेना मेरे भाई, 1 से 2 चम्मच ही लेना है बस, यानी कि सिर्फ भूनना है, उनको तलना नहीं है मेरे भाई। कभी तलने लगो आप तो ज़्यादा घी मत लेना। कभी आप सोचे भाई मेरे पास ज़्यादा घी है, मैं घी में अच्छी तरह से भूनता हूँ इनको, तो थोड़ा ही घी लेना है मेरे भाई, देसी घी का इस्तेमाल करना है। 1 या 2 चम्मच घी ले लें आप, अच्छी तरह से रोस्टेड कर लें, भून लें। जब अच्छी तरह से भून जाए उसको आप पीस लें, इन दोनों को भूनकर अलग पीस लें आप। अब आपकी जो तीन चीज़ हैं सौंठ, हल्दी और मेथी दाना, उनको आप अलग पीस लें। अब जब ये दोनों चीज़ें पीस जाएंगी आपस में मिक्स करके रख लें, यानी कि ये 5 औषधि आपकी तैयार है जो स्लिप डिस्क के लिए आपको चाहिए। तो ये औषधि आपकी तैयार है, समझ गए होंगे जैसे मैंने समझाया है। अब आपको इस्तेमाल करनी है। इस्तेमाल कैसे करनी है, आधी चम्मच से 1 चम्मच की मात्रा में आप ले सकते हैं, जो नॉर्मल टीस्पून होती है। तो आधी चम्मच से 1 चम्मच की मात्रा आप कर दें, कोई परेशानी नहीं होगी। 1 चम्मच ले लें सुबह शाम, सुबह नाश्ते के बाद ले लें, थोड़ी बहुत देर बाद ही ले लें, आधे घंटे बाद या 1 घंटे बाद या 15 मिनट बाद, जैसे भी उचित हो, जैसे भी आपको सहूलियत लगे, इस तरह से आप ले सकते हैं। इसी प्रकार से आपको खाना खाने के बाद आधी चम्मच ले लें या 1 चम्मच ले लें। अब आप ये कहेंगे भाई 1 चम्मच क्यों नहीं बता रहे, आधी चम्मच क्यों नहीं बता रहे। अगर आपको लगे कि 1 चम्मच से हमें कोई परेशानी है, परेशानी वैसे इससे होती नहीं है, हल्की सी गर्म तासीर है, तो हल्की सी गर्मी लगे, तो भाई आधी चम्मच ले लो, वैसे तो नुकसान नहीं करती। मैं आगे के लिए बता रहा हूँ आपको, अगर 1 चम्मच ले लेंगे तो कोई दुष्परिणाम इसका नहीं होगा। तो आप ये ले लें 1 चम्मच सुबह ले लें, नॉर्मल टीस्पून, जो घर में टीस्पून होती है, यानी कि 5 से 6 ग्राम की मात्रा लेनी है इसकी। 1 चम्मच सुबह ले लें, 1 चम्मच शाम को ले लें। पानी से ले सकते हैं, नॉर्मल पानी से भी ले सकते हैं या दूध से भी ले सकते हैं। दूध थोड़ा सा गुनगुना हो या ठंडा हो, कोई परेशानी नहीं है। तो दूध से ले लें या पानी से ले लें। अब दूध चाहे भैंस का हो चाहे गाय का हो, जो आपके पास अवेलेबल हो वो ले लें, चाहे डेयरी वाला हो जो आप इस्तेमाल करते हैं वो दूध आप ले सकते हैं। दूध नहीं हो तो कोई बाउंडेशन नहीं है भाई कि दूध से ही लेना, पानी से आप ले सकते हैं। तो आप ये करें। अब मैं एक तेल और बता देता हूँ, आप एक तेल और बना लें और अच्छी तरह से स्लिप डिस्क वाली जगह पर आप मसाज करें अच्छी तरह से। तेल के लिए आप सबसे पहले, तो इसके लिए 20 ग्राम आप हल्दी ले लें, साबुत हल्दी जो अभी खाने के लिए बताई थी, और 20 ग्राम आप सौंठ ले लें, वो भी खाने के लिए बताई थी, सूखा हुआ अदरक, और 20 ग्राम लहसुन लेने हैं आपको, यानी कि गार्लिक। तो आप ये तीनों चीज़ें, यानी कि लहसुन को छील लें अच्छी तरह से 20 ग्राम की मात्रा में ले लें, और अब इन तीनों चीज़ों को अच्छी तरह से कूट लें, दरदरा कर लें। और आपको 200 ग्राम तिल का तेल लेना है, तो 200 ग्राम तिल का तेल ले लें, किसी आँच पर, किसी बर्तन पर चढ़ा दें उसको। अब उसमें जो तीनों चीज़ कूटी हुई है, सौंठ, हल्दी और लहसुन, ये उसके अंदर डाल दें। अब अच्छी तरह से इसको बोल्ड कर लें। जब पककर, यानी कि आपको अंदाज़ा लगाना है सिर्फ, नापना तोलना भाई कैसे तोलोगे, कैसे नापोगे कितना कम हुआ है, तो आप सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि 200 ग्राम हमने तेल डाला है। जब पककर 150 ग्राम रह जाए तो आप उसको ठंडा करके छान लें, किसी बोतल में रख लें, कांच की बोतल हो या किसी भी प्रकार की बोतल हो, कोई आपत्ति नहीं है। ये आपका तेल तैयार है, छान कर आप तैयार करके रख लें उसको किसी बोतल में करके। अब आपको इसकी तेल की मसाज करनी है हल्के हल्के हाथों से, बस आपको सिर्फ ये दो काम करने, एक्सरसाइज आपको साथ में करनी है, हल्की फुल्की सी कोई सी भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई कि यही एक्सरसाइज करनी है, जो आपको उचित लगे, जो आप कर सकते हैं वो आप करें, ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज इसमें ना करें, हल्की एक्सरसाइज करें। बस आपको ये करना है मेरे भाई, 10 दिन में, ये रियलिटी है, जब आप लेना शुरू करेंगे 10 दिन में। किसी किसी को मैंने ऐसा रिजल्ट देखा है, जिसको मैंने बताया, जिसने करा है भाई, 3 दिन में उसने रिजल्ट मुझे बता दिया है कि हाँ 3 दिन बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ मेरा दर्द कम होता जा रहा है, स्लिप डिस्क की परेशानी उसकी ठीक होती जा रही है। तो आप 10 दिन में रिजल्ट आने लगेगा, और प्रॉपरली आपको 3 महीने तक ये करना है। बस 3 महीने कर लें, आपकी परेशानी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। और किसी को अगर ज़्यादा बड़ी परेशानी है तो मेरे भाई एक चीज़ और ऐड कर लो, सोने पे सुहागा आ जाएगा और कभी भी दिक्कत नहीं होगी, ये हकीकत है, अगर आप इस चीज़ को मानते हो तो। मानने वाली चीज़ मैं बता देता हूँ आपको क्या लेनी है। आपको लेना है चूना, शुद्ध चूना, जो पान वाले पान में लगाते हैं वो वाला चूना आप ले लें।
पान वाले से ले ले चूना, शुद्ध चूना, उसको प्रयोग कैसे करना है आपको, दोपहर को खाने के साथ में ले ले, दही के साथ में ले ले, किसी जूस के साथ में ले ले, और कुछ भी ना हो तो पानी में ही ले ले, कोई परेशानी नहीं है भाई। चूना कितना लेना है ये भी ध्यान रखने वाली बात है। तो चूना लेना है आपको लगभग एक गेहूं के दाने के बराबर या एक चावल के दाने के बराबर, एक छोटी सी कोई भी आप माचिस की तिल्ली वगैरह ले लें और इसमें लगाएं और चूना उठाएं, हल्का सा बहुत मामूली सा लेना है और उसमें मिक्स करके पी जाएं आप, तो दोपहर को ले लें या सुबह खाली पेट ले लें आप, कोई आपत्ति नहीं है, सुबह खाली पेट ले लें ज़्यादा उचित रहेगा, किसी भी जूस में मिला लें, मैंगो शेक में मिला लें कोई आपत्ति नहीं है, संतरे के जूस में मिला ले, टमाटर के जूस में मिला ले, यानी कि कहने का मतलब यह है कि किसी भी चीज़ में आप ले सकते हैं इस तरह की लिक्विड चीज़ों में। तो आप पानी में भी ले सकते हैं अगर जूस वगैरह ना हो, एक गिलास पानी में वही एक तिल्ली से उठाएं, एक गेहूं के दाने के बराबर उसको मिक्स करें और उसको पी जाए। तो आपको अगर कोई आपत्ति नहीं है मेरे भाई, साथ में कोई भी चूना ले सकता है। चूने के गुण शायद आपको नहीं पता, भविष्य में हुआ तो मैं कोई वीडियो बनाऊंगा स्पेशली इसी के लिए। तो अगर आप लेंगे कोई भी आपत्ति नहीं, कभी आप डर जाए भाई चूना आते फाड़ देता ये कर देता, भाई एक लिमिट होती है हर चीज़ की, अगर आप दवाई के तौर से अगर इसको लेंगे तो 101% बेनिफिट होगा, और इसका बेनिफिट इतना होगा अचंभाजनक, आपको खुद एहसास हो जाएगा हाँ हमने कोई गलत चीज़ नहीं खाई या हमने कोई गलत चीज़ नहीं बताई। अब मैं उनको बता देता हूँ एक चीज़ ध्यान रखना, अगर आपको चूना लेना है, अगर किसी को स्टोन बनती रहती है, स्टोन की शिकायत है, पथरी की शिकायत है, चाहे पित्त की थैली में चाहे गुर्दे में, तो वो कृपया करके चूने का इस्तेमाल ना करें, बाकी औषधियां ले ले कोई परेशानी नहीं होगी। तो चूना वो इस्तेमाल करें जिनको पथरी की शिकायत नहीं है, और जिनको ज्यादा बड़ी परेशानी है, वो सोच रहे हैं कि यार हम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, जल्दी डेवलप हो जाए, या जिनके घुटनों में भी दर्द रहता है, साथ में जॉइंट पेन रहता है, गैप आ चुका है, कमर में गैप आ चुका है, स्लिप डिस्क की परेशानी है, साइटिका की परेशानी है, किसी भी तरह का पेशेंट है, जॉइंट पेन रहता हो, भाई चूने का प्रयोग कर दो, बेफिक्र होके करो भाई, कोई आपत्ति नहीं आएगी। आपत्ति आए तो भाई मैं बैठा हूँ मुझे पकड़ लेना भाई, दुकान बंद करके बैठ जाऊँगा, कुछ भी करने को तैयार हूँ, लेकिन आपको आपत्ति नहीं आने दूंगा किसी भी प्रकार की, तो आप घबराए ना, चूने का प्रयोग आप कर लें साथ में अगर कर सकते हैं तो, नहीं करना तो जो मैंने बताया वही कर लो भाई मेरे, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। लगातार 3 महीने सेवन कर लो, और चूने का सेवन साथ में कर रहे हो तो सिर्फ 3 महीने करना, उसके बाद मत करना चूने का भी, तो आप ये करो कोई भी आपत्ति नहीं होगी किसी भी प्रकार की। थोड़ा सा परहेज पर ध्यान दे, खानी है तो हरी साग सब्जी का सेवन करो, घर में जो भी बना है हरी साग सब्जी का सेवन करो, ज़्यादा फल फ्रूट का सेवन करो, फल फ्रूट नहीं है मेरे भाई कोई ज़रूरत नहीं है खरीद के लाने की, इतने पैसे नहीं है तो भाई मत बेकार करो, जो भी आप साग सब्जी का सेवन करते हो वो करो, लेकिन पौष्टिक खाना खाओ। अगर कोई नॉनवेज खाता है तो चिकन मछली इसमें ज़्यादा उपयोगी होती है, तो आप वो खा सकते हैं। बाहर का तला भुना या बादी चीज़ें बिल्कुल ना खाए, जो बादी चीज़ें होती है, क्योंकि ये जो रोग होता है हमारा वात रोग बढ़ने से हो जाता है, तो उसको हमें कंट्रोल करना है मेरे भाई। आप ऐसी वस्तु ना खाएं जो बादी चीज़ें हों, मैदे से बनी हुई चीज़ें हों, ये अवॉइड करें। यानी कहने का मतलब ये, घर का खाना खाएं, नॉर्मल खाना खाएं, पौष्टिक खाना खाएं, बस प्रोटीन युक्त खाना खाएं कोई परेशानी नहीं होगी, विटामिन युक्त खाना खाएं कोई परेशानी नहीं होगी। तो सारी चीज़ें भाई घर की साग सब्जियों में है, आप वो खाओ, पौष्टिक चीज़ें खाओ भाई, खुश रहोगे मेरे भाई, कोई परेशानी नहीं होगी जीवन में आपको किसी भी तरह की। अगर कोई भी आप वजन उठा रहे हैं तो तेजी से वजन ना उठाया करें, अगर खड़े रहने का काम है तो ज़्यादा देर तक खड़े ना रहें, बैठे रहने का काम है ज़्यादा देर तक बैठे ना रहें, दूरी तय करनी है पैदल चलना है तो ज़्यादा दूरी तय ना करें मेरे भाई, थोड़ी सहूलियत बरतने। कभी आप सोचे भाई इतनी सारी चीज़ें बता रहा भाई हमसे नहीं हो पाएंगी, तो भाई करने की कोशिश कर रहे हैं, आप ठीक हो जाएंगे, बस यही है इंसान के अंदर, कोशिश नहीं करता। तो भाई बार बार मैं आग्रह क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप भाई ठीक रहे, बस स्वस्थ रहे, टेंशन का विषय इसको ना समझे, चिंता से ग्रसित ना रहे, टेंशन ना ले, टेंशन लेंगे आप इसको लेकर और एक और बीमारी पनप रही है आपके अंदर, उसको नहीं देख रहे आप, टेंशन से और भी बीमारियां पनप जाती है मेरे भाई, इसलिए कहता हूँ माइंड फ्री रहे, कोई सी भी बीमारी हो ठीक हो सकते हो, बशर्ते ये है कि कोई सही सलाह देने वाला हमें मिल जाए। तो भाई अगर कोई सही सलाह दे रहा तो उसकी भाई सलाह मानो, और भाई बस यही कहूँगा कि आप ठीक रहो बस, और कोई भी वर्क करने वाला है इस सिचुएशन में, काम करने वाली सिचुएशन है, उसको भाई काम करने की ज़रूरत है, तो ज़्यादा हार्ड वर्क ना करें, नॉर्मली काम करें। घर की जो महिलाएं उनको परेशानी है तो ऊपर नीचे जीना थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप चढ़े, ध्यान से काम करें, घरेलू काम कर रही है तो ध्यान से करें। बाकी लास्ट में यही आशा करता हूँ, जिस क्षेत्र में आप होंगे हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे, अपना ध्यान रखेंगे, अपने बच्चों का, अपने परिवार वालों का, बाकी अपने माता पिता की सेवा करेंगे। कल मिलता हूँ नए टॉपिक के साथ, धन्यवाद।